देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस का बड़ा ही योगदान होता है। पुलिसकर्मी अपने परिवारी जनों से दूर रहने के बावजूद कई सौ किलोमीटर पर तैनाती के चलते अपने फर्ज की अदायगी करते हैं, लेकिन अब ऐसे में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे तो कितनी पीड़ा होती है, ये तो वही समझ सकता है जिस पर ये बीतती है। कुछ इसी तरह का मामला जनपद रामपुर से सामने आया है, जब एक महिला और उसके पति पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा निम्न श्रेणी के बर्ताव का अपने ही विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए नौकरी से इस्तीफा देने की बात कबूली है। जनपद रामपुर के पटवाई थाने में इंस्पेक्टर क्राइम के पद पर तैनात वीरपाल सिंह द्वारा अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की चर्चा जोरों पर है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने समकक्ष एसएचओ पटवाई और उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार उनके साथ निम्न श्रेणी का व्यवहार बरतने का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो डिप्रेशन में हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। इस बात की तस्दीक अस्वस्थ हुए इंस्पेक्टर को देखने आई खुद उनकी पत्नी ने भी की है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की जानकारी न होने के बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा ऑफ कैमरा कही गई है। पीड़ित इंस्पेक्टर की पत्नी के हवाले से उनका इस्तीफा डीआईजी मुख्यालय को भेजा जाना बताया गया है। तो अब जो इंस्पेक्टर साहब हैं तो वो क्या कहीं उनका इलाज चल रहा है क्या? जी हाँ, एडमिट है वो और काफी उनको दिक्कत परेशानी है हो रही है और ज्यादा नहीं ज्यादा वे बोल पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं सही से। कितने दिन से तबीयत खराब चल रही है? उनको कम से कम हफ्ता भर हो गया। इस्तीफा कितने दिनों का दिए? इस्तीफा को भी 3-4 दिन हो चुके हैं। हमें तो उन्होंने नहीं बताया और किसी से मुझे खबर चली तो फिर हमें भाई बहुत दिक्कत परेशानी सोचना पड़ा कि अब क्या होगा कैसे होगा, बस इसी में हम भी परेशान हैं बहुत ही सी चीज़ों को सोचकर। तो आप कहाँ रहते? और मेरे बेटे की 8 फरवरी की शादी थी, साथ की उसमें भी उनको छुट्टी नहीं मिली, 8 दिन की छुट्टी दी गई है। आप ही बताइए कि 8 दिन की क्या छुट्टी में कोई अपने बेटे की शादी कर लेगा? क्या रीजन है इसका? क्या यही कि हम हरिजन है? बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत परेशानी पैदा हो जाती है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा गया है कि इंस्पेक्टर की तबीयत खराब है और वो डिप्रेशन में है। इंस्पेक्टर साहब की अभी जब मेरे पास लेके आए थे शाम को 6 बजे तो उनकी तबीयत काफी खराब थी, कहीं ना कहीं उनका बीपी भी बढ़ा हुआ था, 160 के करीब में बीपी था और वीकनेस काफी ज्यादा है और डिप्रेसिव लगे हैं मुझे काफ़ी, लूज मोशन हो रहे हैं उनको और फीवर भी है, कहीं ना कहीं सिचुएशन अच्छी नहीं है अभी। कहाँ पे पोस्टिंग है? मुझे एड्रेस में जो लिखवाया है वो थाना पटवाई बता रहे हैं कि वहाँ पोस्टेड हैं। तो आप कैसी तबीयत है? देखिए अभी मेडिसिन लगाई है, देखते हैं कैसा रहता है। पेशेंट तो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब देखते हैं आगे क्या रहता है। इस प्रकरण में लेडी इंस्पेक्टर की पत्नी भी अपने पति को एसएचओ पटवाई के अलावा कुछ अधिकारियों द्वारा लगातार मान सम्मान को ठेस पहुंचाए जाने का आरोप लगा रही हैं। अब देखना यह भी होगा कि आखिर कब तक ये मामला साफ हो पाता है।